अभी तो राम को लाए हैं, अब श्याम को लाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े इस भजन को गाकर तो कन्हैया मित्तल ने मथुरा वासियों का न केवल दिल जीत लिया बल्कि उन्हें थिरकने पर भी मजबूर कर दिया। इस भजन के बाद उन्होंने अयोध्या, काशी, मथुरा को लेकर कई भजन गाए। वहीं सनातन धर्म और गौ माता के सम्मान की अपील भी उन्होंने मंच के माध्यम से की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। यूं तो ब्रज की भूमि पर हर रोज हरिनाम संकीर्तन, भजन, कथा, कीर्तन होते रहते हैं, लेकिन कुछ आयोजन ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। ऐसा ही रहा मसानी स्थित ओम पैराडाइज में आयोजित हुई कन्हैया मित्तल की भजन संध्या का कार्यक्रम। कन्हैया मित्तल ने गणेश वंदना के साथ मथुरा की जनता को अपने स्वरों में बांधना शुरू किया और उसके बाद उनके द्वारा दी गई एक एक प्रस्तुति मौजूद श्रोताओं के मन को झंकृत करने लग गई। विशाल पंडाल में मौजूद हर कोई झूमता नजर आया। खासकर महिलाओं ने तो समूह बनाकर जमकर नृत्य किया। तो वही इस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि नवीन कुमार जिंदल तो कन्हैया मित्तल के साथ ही मंच पर नाचते दिखे। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि से भी श्री कृष्ण को कारागार से मुक्ति दिलाने का भजन गाया तो वहां मौजूद जन समुदाय जोश से भर उठा और जल्द कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनाने की बात करने लगा और इसके लिए उन्होंने मोदी योगी से आह्वान भी कर डाला। लेकिन उस भगवान की शक्ति किसी में आई। 500 साल तक राम तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। 70 सालों से, 75 सालों से देश में सुप्रीम कोर्ट है, सरकारें हैं, मगर किसी का दिल नहीं तड़पा। एक बच्चे की शादी को 10 साल हो जाए, उसकी धर्मपत्नी भी पूछने लग जाती है कि हम कब तक किराए के मकान में रहेंगे, हमारा खुद का घर कब होगा, मेरी रसोई कहाँ है, आपके छोटे भाई का कमरा कहाँ है। ऐसे
ऐसे ही वो सीता भी राम जी को रोज कहती होगी कि राम जब देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो मेरा महल कहाँ है राम। त्रेता में तो हनुमान ने हमारा राज्य अभिषेक करवा दिया था, इस कलयुग में कौन करवाएगा राम। तब राम जी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, नरेंद्र मोदी आ रहा है हमारा राज्य अभिषेक कराने के लिए। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मैं जाकर आया हूं बनारस, मैंने देखा है बनारस में बाबर ने मंदिर नहीं तोड़ा, बाबर ने मंदिर नहीं तोड़ा, बाबर ने हिंदुओं की आस्था को तोड़ा था, हिंदुओं के स्वाभिमान को तोड़ा था, दीवारें नहीं छेड़ी, छतों को तोड़ दिया और शिवलिंग निकाल के कुएं में डाल दिया। 500 साल तक उन दीवारों पे पर्दा गिरा रहा, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि उन पर्दे को हटा दे। कोई आया है जिसने वो पर्दे हटाए हैं, उसका नाम नरेंद्र मोदी है साहब। अब जाके दिखता है हमारी है और मंदिर भी हमारा है साहब। मथुरा शहर में कोई बच्चा कोई अच्छा काम करेगा तो पूरा मथुरा उसका धन्यवाद करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो नाम मथुरा का रोशन देश में करेगा तो क्या मथुरा उसका नाम नहीं लेगा। तो अगर कोई हमारे अयोध्या का फैसला ले आए, कोई हमारे काशी को सजा दे, तो योगी और मोदी का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता। मंदिर अब बनने लगा, चढ़ने लगा है। मुझे कोई लेना देना नहीं है साहब भाजपा कांग्रेस से, मेरा लेना देना है सिर्फ भगवे से। अगर अरविंद केजरीवाल भी श्री राम मंदिर में जाके पत्थर लगाएगा तो मैं आम आदमी पार्टी की भी चिंता करूंगा। अगर कोई मथुरा में अगर कांग्रेसी भी बस चलाएगा ना खाटू श्याम जी ले जाने की, तो उसका भी नाम मैं लूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जिस तरह फौजी सरहद पे खड़ा है अपने देश के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, उसी तरह मैं भी किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, अपने सनातन के लिए खड़ा हूँ साहब, अपने सनातनियों के लिए खड़ा हूँ। मंदिर अब बनने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा, अभी तो सिर्फ ऑर्डर आया है, उसी में हालत थोड़ी सी। जब मंदिर बन जाएगा तब क्या होगा भाई। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा, सोचिए तो इससे। साथ उन्होंने अपने सनातन धर्म को जात पात से ऊंचा बताते हुए उसका सम्मान करने और आने वाली 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष मनाने का भी आह्वान सनातन धर्म को मनाने वाले लोगों से किया। लॉयंस क्लब द्वारा आयोजित की गई इस भजन संध्या कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर रहे G9 न्यूज ने सीधा प्रसारण दिया, जिसे लाखों लोगों ने घर बैठ कर देखा और आनंद लिया।